हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनेजा एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बिजनेस स्टडी के हमारे टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी, वो ये कि हम लोगों के माइंड में एक छोटा सा भ्रम होता है, एक कन्फ्यूजन होती है हमेशा। कन्फ्यूजन ये होती है कि हम जब बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट के अंदर लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लेवल्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। और टॉप लेवल में बहुत से लोगों की बात करते हैं, मिडल लेवल में बहुत तरह तरह के लोगों की बात करते हैं, उनके काम की बात करते हैं, उनका काम क्या है। और ऐसे ही लोअर लेवल पर हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बात करते हैं, उनके वर्क की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं क्या, एक तो होता है ऑनरशिप, दूसरा होता है मैनेजरियलशिप। दो वर्ड यूज़ करे फ्रेंड्स मैंने, क्या क्या, एक तो ऑनरशिप, दूसरा मैनेजरियलशिप। ध्यान से सुनिएगा, ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस का मालिक कौन है। और वहीं अगर हम बात करें मैनेजरियल शिप से, हमारा मतलब होता है कि उसे मैनेज कौन करता है। फ्रेंड्स, ये मैं क्या बोले जा रहा हूं, हम लोगों के आसपास जितने भी बिजनेसेस अभी तक हमने देखे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स के बिजनेस की बात करें हम, या अगर हम अपने गली नुक्कड़ से बाहर निकलते हैं आसपास सोसाइटी में, गर्दन घुमाकर देखते हैं तो किसी हलवाई की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की करियाने की दुकान है। हम क्या देखते हैं, जिसकी दुकान है, जिसने पैसा लगाया, कौन, ऑनर, वही उस दुकान में बैठा है, उसको मैनेज कर रहा है, मैनेजरियलशिप, वही उसको मैनेज कर रहा होता है। ऐसे बिजनेसेस फ्रेंड्स छोटे मोटे बिजनेसेस कहलाते हैं, कि भाई पैसा लगाने वाला मिस्टर ए, उसको मैनेज करने वाला मिस्टर ए। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति ऑनर है और कौन सा व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है, मैनेजर है। चलाने वाला भी वही होता है और उसमें पैसा लगाने वाला, उसका बिजनेस का मालिक भी वही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपको मैं बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब वो ऑनर हो गए। जी नहीं, वो ऑनर नहीं हुए फ्रेंड्स, वो उस बिजनेस के मैनेजर ही कहलाएंगे। बट ऑनर कौन होता है, इसका मतलब ऑनर होते हैं उस बिजनेस के शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स, जो इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एज इन कैपिटल। किस वे में, कैपिटल के वे में फ्रेंड्स, वो लोग होते हैं उस बिजनेस के ऑनर। क्या कहलाते हैं वो, उस बिजनेस के ऑनर कहलाते हैं। हम यहां बात ऑनरशिप की नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम यहां बात कर रहे हैं मैनेजरियलशिप की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे फ्रेंड्स, मैनेजरियलशिप की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा। तो हम मैनेजरशिप की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऑनरशिप जो है वो अपने बिजनेस के मालिकों से रिलेट करती है, उसकी बात नहीं हो रही। फिर आती है मैनेजरशिप की, और तीसरी जो इसके अंदर बात आती है वो आती है वर्कफोर्स की। हम वर्कफोर्स की भी बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, वर्कफोर्स में एक्चुअल जो लोग काम करते हैं, हम कह सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, हाथ काले करना, मशीनें चलाना, मेहनत करना, फिजिकल लेबर करना। और जो मैनेजरशिप में काम होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वाइट कॉलर जॉब। आप देखते हैं अकाउंटेंट हो गए, टेबल पे बैठे हुए हैं, अपना टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, अपना काम करना है उन्होंने, पेन पेंसिल चलानी है उन्होंने, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कंप्यूटर पे वर्क है उनका। गाइस, वो काम होता है मैनेजरशिप का, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करना, राइट, ये काम होता है मैनेजरशिप का, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें वर्क होती हैं, ये सब चीज़ें जो वर्क होते हैं, जो करने होते हैं, ये सारे मैनेजरशिप के अंडर आते हैं। वहीं वर्कफोर्स में क्या आ जाती है, ब्लू कॉलर जॉब, जिसमें हाथ पैर काले करने होते हैं, आपको मशीन चलानी होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल जॉब होती है फ्रेंड्स। क्या होती है ये, फिजिकल जॉब, जबकि ये क्या होती है, एक मेंटल जॉब। क्या होती है ये, एक मेंटल जॉब। तो गाइज, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। हम मैनेजरशिप को जोड़ते हैं किसके साथ, ऑनरशिप के साथ, कई बार जोड़ते हैं कई स्टूडेंट्स, और कई स्टूडेंट्स जोड़ते हैं वर्कफोर्स के साथ। स्टूडेंट्स छोड़ो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को देखा है मैंने
जो अच्छी खासी एज रखते हैं, बिजनेस को समझते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजरशिप और ऑनरशिप और वर्कफोर्स, ये तीन चीज़ों के अंदर वो हमेशा ही कंफ्यूज मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम बात कर रहे हैं मैनेजरियलशिप की, राइट? हम इसकी बात नहीं कर रहे, ना हम बात कर रहे हैं वर्कफोर्स की और ना ही हम बात कर रहे हैं ऑनरशिप की, राइट? तो हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम बात कर रहे हैं मैनेजरियलशिप की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैनेजरियलशिप क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैनेजरियलशिप को हम तीन लेवल पे बांट देते हैं। पहला लेवल होता है हमारा टॉप लेवल। टॉप लेवल वही टाई कॉलर लगा के फर्स्ट क्लास सज धज के, यू नो, अपने सूट्स में, सूट बूट में बैठे होते हैं जो बिजनेस के अंदर मैनेजर्स होते हैं, वो बड़े बड़े मैनेजर्स, जिसमें हम क्या नाम लेके चलते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो फाइनेंस को देखता है, MD, मैनेज करता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका काम गाइस क्या होता है? पॉलिसी को फ्रेम करना, पॉलिसी को फ्रेम करना, ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड करना, ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड करना, और इस तरह के इनके जॉब्स होते हैं, राइट गाइस? जो इनके काम हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि ये पॉलिसी फ्रेम करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड करेंगे, ठीक है जी? तो ये इनके डेली बेसिस के वर्क होते हैं, जिसमें क्या लगता है फ्रेंड्स? मेंटल एप्टीट्यूड, दिमाग लगता है फ्रेंड्स। ये सारा मेंटल वर्क है। क्या है ये सारा? मेंटल वर्क। क्या है फ्रेंड्स? ये सारा मेंटल वर्क है, राइट जी? जिसके अंदर मेंटल एप्लीकेशन लगती है आपकी, ठीक है जी? इनको एज सच ये नहीं है कि अपना, यू नो, फिजिकल वर्क करना है। ये जब घर से, काम से घर पहुंचते हैं तो ये थकते हैं, ये लोग भी थकते हैं, लेकिन ये लोग शरीर से नहीं थकते, ये लोग दिमाग से थकते हैं, ठीक है जी? तो टॉप लेवल वालों का ये काम होता है। क्या काम होता है इनका? पॉलिसी को फ्रेम करना, ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड करना, एसेट्रा, ऐसे जो भी मेंटल वर्क होते हैं वो सब ये जॉब परफॉर्म करते हैं, राइट जी? ऑलराइट। दूसरा जो लेवल आता है वो आता है मिडल लेवल का। ऑफ कोर्स टॉप लेवल से नीचे है, तो ये मिडल लेवल किन की ड्यूटीज, किन की, यू नो, जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे, जो टॉप लेवल ने बिल्ड करे हैं, ये टॉप लेवल के अंडर काम करते हैं मिडल लेवल वाले, ठीक है जी? तो आप देखेंगे कि इसमें कौन लोग आ गए, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, इन सब के जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो लोग इसके अंदर आ गए फ्रेंड्स। इनका काम होता है पॉलिसीज जो इन लोगों ने बनाई थी ना ऊपर फर्स्ट लेवल पे, इसको इंटरप्रेट करना। क्या करना गाइस? इसको इंटरप्रिटेशन, पॉलिसी इंटरप्रिटेशन। क्या काम है इनका गाइस? पॉलिसी इंटरप्रिटेशन का, पॉलिसी इंटरप्रेट करते हैं। सवाल पैदा होता है किनको करते हैं भाई पॉलिसी इंटरप्रेट? ये पॉलिसी इंटरप्रेट करते हैं किन लोगों के लिए गाइस? ये पॉलिसी इंटरप्रेट करते हैं मिडल लेवल, ये मिडल लेवल कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ सॉरी, लोअर लेवल। मिडल लेवल वाले पॉलिसी इंटरप्रेट करते हैं लोअर लेवल वालों के लिए। और लोअर लेवल में कौन लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स? सुपरवाइजरी, जितने भी फॉरमैन होते हैं भाई। आपको याद होगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैनेजरियलशिप में काम होता है वाइट कॉलर जॉब का, जो कि मेंटल जॉब होती है, और वर्कफोर्स होती है जो एक्चुअल वर्क करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, जो कि हाथ पैर काले करती है, अपनी मेहनत करती है, फिजिकल जॉब करती है। गाइस, इनका काम होता है लोअर लेवल वालों का, सुपरवाइजरी लेवल का, फॉरमैन का, इन लोगों के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना। किन लोगों के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना? जो वर्कफोर्स है हमारी ब्लू कॉलर जॉब वाली, इनका काम होता है वर्कफोर्स के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना। किनका? लोअर लेवल वालों का। और जो लोग वर्कफोर्स के साथ, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ फ्रेंड्स कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, उन्हीं लोगों को बोलते हैं फॉरमैन। क्या बोलते हैं? फॉरमैन। आप कभी भी जाओगे ना फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री के अंदर ऑर्डर दे रहा होगा वो कोई परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर या मार्केटिंग या फाइनेंस मैनेजर नहीं होगा, मिडल लेवल का बंदा नहीं होगा, ना ही वो टॉप लेवल का बंदा मिलेगा, वो तो हरगिज नहीं मिलेगा, राइट? कौन लोग होते हैं? वो होते हैं फॉरमैन, सुपरवाइजर्स। इन लोगों को बोलते हैं कि ये लोअर लेवल डिपार्टमेंट के क्या हैं? पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट जी? इनका काम होता है इंस्ट्रक्शन देने का डेली बेसिस पे, ठीक है जी? जो इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडलमैन, मिडल लेवल, जो मिडल लेवल वालों ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उन्हें एक्चुअल वर्कफोर्स तक पहुंचाना। आपको याद होगा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक्चुअल वर्कफोर्स में कौन लोग आ जाते हैं? जो फिजिकल जॉब करते हैं फ्रेंड्स। तो ये इनका काम होता है, ठीक है जी? तो इस प्रकार से ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। आपको मैंने क्या किया, आपको मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा दिया कौन कौन पार्टिसिपेंट इसके अंदर आता है और इनका क्या क्या काम होता है फ्रेंड्स। ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है समझना। और बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है कि मिडल लेवल वाले जो हैं, मिडल लेवल वाले क्या करते हैं? ये एक लिंक क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? ये लिंक क्रिएट करते हैं किनके बीच में? टॉप लेवल वालों के बीच में और लोअर लेवल वालों के बीच में। भाई इसी बात है ना,
बीच में आ रहे हैं, तो जो जो डिसीजन टॉप लेवल पे बैठ के सीईओ, सीएफओ, एमडी, राइट, बाकी ये सब लोग लेते हैं, उन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट सही तरीके से कौन करवाता है? मिडल लेवल करवाता है, राइट? किनको एक्सप्लेन करके? लोअर लेवल में जो लोग हैं उन्हें एक्सप्लेन करके, ठीक है जी? तो इस तरीके से ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, इस वीडियो को फिलहाल पॉज करके लेवल ऑफ मैनेजमेंट के इस टॉपिक को इस चार्ट के साथ नोट डाउन कर लेना और इसे एक बार अपने लैंग्वेज में लिखना फ्रेंड्स। मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरी जो चीज इसके अंदर है हमारी, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है फ्रेंड्स? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। नेचर से हमारा मतलब है कि अब देखिए, हर एक इंसान की जैसे प्रकृति होती है, हर एक इंसान का नेचर होता है, ऐसे मैनेजमेंट का भी नेचर है। मैनेजमेंट क्या साइंस है? इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट और एज एन प्रोफेशन? क्या, और एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन कह सकते हैं, या क्या आप उसे आर्ट कह सकते हैं, या क्या आप उसे साइंस कह सकते हैं फ्रेंड्स? ये सब जानने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि साइंस की नेचर क्या है, आर्ट की जो बातें हैं, प्रोफेशन की जो बातें हैं, क्या वो बातें मैनेजमेंट में अप्लाई होती हैं? किसी चीज़ को हम एक आर्ट बोलते हैं या किसी चीज़ को हम एक प्रोफेशन कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ बातें आती हैं कि हम एक पर्टिकुलर बेस पे रह के बोल पाती हैं कि यस ये चीज़ एक आर्ट है, यस ये चीज़ एक प्रोफेशन है। अगर वो सारी बातें, वो सारे बेस्ड अप्लाई, वो सारे बेस अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट पे, तो हम बोल पाएंगे कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है एंड मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। अदरवाइज हम मैनेजमेंट को आर्ट या प्रोफेशन नहीं कह पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। हम सब जानते हैं गाइस कि साइंस के प्रिंसिपल हर जगह, हर एक सिचुएशन में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट ऐसा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन क्या है, और बिजनेस में सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। ठीक इस तरीके से कि सिचुएशन बदलती है, उसी तरीके से आपको मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी है उसको भी बदल के अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल में थोड़ा सा चेंज करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहला जो पॉइंट है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जो साइंस में एप्लीकेबल होती है, वो मैनेजमेंट में नहीं मिलती, हमें नहीं पाई जाती। तो नॉट एग्जैक्टली फुलफिल दिस फीचर ऑफ साइंस। तो इस तरीके से मैनेजमेंट साइंस तो नहीं कहलाया। तो आइए देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है गाइस, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हमें कोई साइंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, हम उस बुक्स को स्टडी करते हैं और उससे हमें साइंस की नॉलेज मिलती है। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट की भी अवेलेबल है? तो आंसर इज येस, अवेलेबल है। अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, नॉलेज चाहिए, तो आप मार्केट जाइए, मार्केट में जाके उस बुक्स को बाय करिए एंड आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस ये वाला पॉइंट जो है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट में साइंस का पाया जाता है। तो ये पॉइंट अवेलेबल है, एग्जिस्ट है। तीसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल ठीक बात है गाइस, साइंस के कोई भी प्रिंसिपल जब मार्केट में आते हैं, जब आपको नॉलेज में मिलते हैं, तो वो उससे पहले उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं और उसके बाद जाके वो ट्रुथ जो होता है वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी कोई बात अगर हम बोल पा रहे हैं कि मैनेजमेंट से ये बात सक्सीड होती है, मैनेजमेंट को अप्लाई करके ये बात आपको मिलेगी, रिजल्ट आपको मिलेगा, तो मैनेजमेंट भी साइंटिफिक, मैनेजमेंट भी जो है वो एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट्स पे, एक स्टडी पे बेस्ड रहकर ही हम ये बोल पाते हैं कि मैनेजमेंट को अप्लाई करके आपको ये रिजल्ट मिलेगा गाइस। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है। किसकी बात होती है गाइस? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसा साइंस में है, ऐसा ही आपका मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। तो प्रिंसिपल ये भी जो है मैनेजमेंट के, वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। तो ये पॉइंट भी क्या करता है गाइस? एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स। हाँ ये बात है कि साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बट गाइस ये बात सच नहीं है। किस केस में? मैनेजमेंट में। क्यों? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई करते हैं आप? मेनली किस एरिया पे अप्लाई करते हैं आप? लोगों के ऊपर। मैनेजमेंट आप अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों को आप मैनेज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और लोग जो होते हैं वो हम सब जानते हैं, सब अपने अपने हिसाब से एक डिफरेंट नेचर रखते हैं। जब गाइस लोगों का पर्सन्स का जो नेचर है वो एक जैसा नहीं होता, तो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल को आप स्टैंडर्डाइज्ड वे में हर एक व्यक्ति पे एक जैसा अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि एक सामने वाला पर्सन कैसा है आपके सामने, तो आप उस हिसाब से मोल्ड करके, बदल के प्रिंसिपल को क्या करेंगे? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे गाइस। तो ये वाला जो साइंस का प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, डजंट एग्जिस्ट गाइस। एंड द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। गाइस वही सेम बात आ गई यहाँ पे भी।
आर्ट में, अगर आपको कोई पर्टिकुलर आर्ट सीखनी है, कोई पर्टिकुलर कला अगर आपको सीखनी है, अगर आपको योगा सीखना है, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर आपको कोई लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स सीखना है, या अगर आपको मोबाइल के रिपेयरिंग के कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी स्टडी अगर आपको करनी है, तो उस आर्ट में अगर आपको प्रोफिशिएंट होना है तो उसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक इस तरीके से अगर आपको मैनेजमेंट को सीखना है तो इसकी भी बुक्स, इसकी भी स्टडी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या बन गया, आपका आर्ट बन गया। तो ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट में क्या है, एग्जिस्ट करता है। सेकंड है गाइस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज डिफरेंट स्टाइल्स। जिस तरीके से आर्ट, हर कोई सब में, गाइस मान के चलिए सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या, लेट्स से चार लोग हैं, चार लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है खाना बनाने की कला, कुकिंग करने की कला। एक पर्टिकुलर डिश है, सपोज कीजिए लेट्स से शाही पनीर। अब पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये चार हमारे पास शेफ अवेलेबल हैं। क्या चारों शेफ एक जैसा, बिल्कुल एक, सेम टू सेम, डिट्टो एज इट इज बनाएंगे शाही पनीर? सब ने एक ही कॉलेज से स्टडी करी है होटल मैनेजमेंट के, सब ने शाही पनीर बनाना वहाँ से सीखा। लेकिन गाइस, जब वो सभी लोग, चारों लोग ए बी सी डी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रिक्रूट होंगे, तो हर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें चेंज करके, अपनी उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल के, फिर उस चीज़ को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। हर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सीखता है, लेकिन उसे अपने हिसाब से अप्लाई करता है। तो यहाँ पे सबका स्टाइल जो है वो अलग अलग है। गाइस, टीचर्स मार्केट में बहुत सारे होते हैं, सब टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये पढ़ाना भी तो एक आर्ट ही है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है गाइस, वो भी क्या है, एक आर्ट है। कैसे, इस तरीके से ये एक आर्ट बन गया। कैसे, मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है, उसको अप्लाई करने का स्टाइल हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो गाइस, मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल पाया जाता है कि प्रैक्टिस जो होती है मैनेजमेंट की, इन प्रैक्टिस का हर एक व्यक्ति द्वारा किया जाना, एक डिफरेंट स्टाइल से किया जाना होता है। इस वजह से मैनेजमेंट में ये वाला प्रिंसिपल जो है आर्ट का पाया जाता है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, किसमें, मैनेजमेंट में, आर्ट का ये पॉइंट। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। गाइस, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप उसके अंदर क्या करते हैं, बार बार उस चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मैंने स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी, मुझे स्विमिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो क्या मैं स्विमिंग ना करूं या मैं नहीं कर पाऊंगा कभी? गाइस, क्या ये बात सच है? नहीं। अगर मैं उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे वो चीज़ अच्छे से आ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस चीज़ में बहुत ही अच्छे से प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा और वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से करूंगा। ठीक इस तरीके से मैनेजमेंट पे भी ये बात अप्लाई होती है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को क्या करिए, सीखिए, लर्न कीजिए, ट्राई टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग। इससे क्या होगा, अगर आप उस चीज़ को सीखेंगे तो आप उस चीज़ में, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप उस चीज़ में भी प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो गाइस, इस तरीके से मैनेजमेंट में ये वाली आर्ट का थर्ड पॉइंट भी एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में ये वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। अब बताइए गाइस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, इज मैनेजमेंट अ फुल फ्लेज आर्ट, क्या मैनेजमेंट आपके एक फुल फ्लेज आर्ट है, तो आंसर क्या होगा आपका गाइस, आप क्या लिखेंगे, यस, कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज आर्ट है। जिसमें आप क्या करेंगे गाइस, ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करके आएंगे। ऑल राइट, तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन चुका है, और कई लोगों का मानना है कि नहीं, अभी भी मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है, कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हमें कोई प्रोफेशन की, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन की हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मार्केट में प्रॉपर बुक्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर उसके लिए थियोरीज अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, तो सिस्टमेटिकली हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है मार्केट में। इसी प्रकार से मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी मार्केट में प्रॉपर थियोरीज अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट इस पॉइंट पे एप्लीकेबल करता है, अप्लाई होती है मैनेजमेंट के अंदर ये बात, कि मैनेजमेंट भी जो है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये वाला फीचर एग्जिस्ट करता है किसमें, मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट है एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। गाइस, हम सब जानते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर करना है, तो उसके लिए आपके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की डिग्री चाहिए। इसी प्रकार से एक मैनेजर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको MBA करना ही पड़ेगा। गाइस, ये चीज़ पॉसिबल है भी और नहीं भी। ज़रूरी नहीं कि आप MBA करके ही मैनेजर बनेंगे। बहुत से लोग हैं गाइस, लेट धीरू भाई अमानी साहब, अब वो मैनेजर हैं, बहुत अच्छे मैनेजर बने अपनी लाइफ में। वो एक मैनेजर का उन्होंने रोल अदा किया, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को खड़ा किया, बट उन्होंने तो कोई एज सच गाइस कोई MBA जैसी डिग्री नहीं अटेन करी थी अपनी लाइफ में। वो भी तो अपने आप को मैनेजर क्लियर कर पाए गाइस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट संभालने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई डिग्री की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है गाइस। तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक मैनेजर बनने के लिए गाइस। तो ये वाला फीचर क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। ये फीचर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, किसमें, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन का ये फीचर एग्जिस्ट नहीं करता। जिस प्रकार से प्रोफेशन एक आपको अगर चाहिए, उस प्रोफेशन में अगर आपको एंटर होना है, तो आपको, आपके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। CA करने के लिए आपको ICAI से वो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
सीएस बनने के लिए आपको आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट मैनेजर के लिए बनने के लिए ऐसी कोई आपको रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, फिर वही बात आ गई गाइस, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन यहाँ पे एज सच नहीं होती कि आपको मैनेजर बनना हो, और उसके लिए आपको पहले किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपने आप को क्या करना हो, रजिस्टर्ड कराना हो, टू गेट रजिस्टर्ड विद एनी पर्टिकुलर एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टर के लिए MBBS, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा किसी मैनेजर के मैनेजरलशिप को अटेन करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड कराने की जरूरत गाइस नहीं होती। तो इस तरह से ये वाला फीचर जो है, ये फीचर भी आपका एग्जिस्ट गाइस नहीं करता, किसमें, मैनेजमेंट में, राइट। तो फोर्थ वन है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा एक बात बताइए, हम जब कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन को में आ जाते हैं, तो हम उस प्रोफेशन में आने के बाद उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं, ऑटोमेटिकली हम उसके लिए बाइंड हो जाएंगे। एक डॉक्टर जो है, जब वो एक डॉक्टर की पोजीशन पे आएगा, तो उसे जो जो मेडिकल काउंसिल ने जो जो उसके लिए रूल्स बाइंड कर रखे हैं, उसे वो सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। एक लॉयर है, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तब जाके वो क्या बनेगा, अपने आप को लॉयर डिक्लेयर कर पाएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं अपने लॉयर्स के लिए, तो वो सारे लॉयर्स पे रूल्स अप्लाई होंगे। एक CA है, उसे ICAI की सारी इन्फॉर्मेशन माननी पड़ेगी कि ICAI ने जो जो रूल्स बनाए हैं उसको वो सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। एक CS है, उसे ICSI की सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, सारे रूल्स, सारे कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी रूल्स उसमें हैं, एक CS पे, हर एक CS पे बाइंड होंगे, जो उसके लिए ICSI बनाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो गाइस ऑटोमेटिकली एक प्रोफेशनल अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में बाइंड होता है, जबकि मैनेजमेंट में ये वॉलेंटरली है गाइस, आपके लिए आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, इट्स जस्ट अ वॉलेंटरी थिंग। आपको रूल्स फुलफिल करने हैं, अपने लिए बनाइए तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बनाने, आपको कोई रूल्स एज सच फुलफिल नहीं करने, तो आप अपने लिए ये रूल्स लेके मत चलिए, अपने आपको खुद को बाइंड मत करिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली जैसा अप्लाई होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन में, प्रोफेशन में ऐसा एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता। कहाँ गाइस, मैनेजमेंट में। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होता, किस पे, मैनेजमेंट पे। और लास्ट वन इज देयर्स ऑलवेज अ सर्विस मोटिव, बिल्कुल ठीक बात है गाइस, हम सब जानते हैं कि भाई जो हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशनल्स का जो पहला एम होता है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेस, प्रोवाइड सर्विसेस टू देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराना सबसे बड़ा एक पर्पस होता है, किनका गाइस, ये पर्पस होता है प्रोफेशनल्स का। तो इस तरह से जो प्रोफेशन है उसमें मोटिव हमारा क्या बन गया, सर्विस मोटिव। जबकि गाइस हम जानते हैं मैनेजमेंट में ऐसा क्या होता है, एक मैनेजर के लिए क्या होता है, मैनेजर के लिए जो रूल्स, जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, लेट डाउन हुए हैं किनके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, राइट, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वो उनके लिए प्रतिबंधित है, उनके लिए वो क्या है गाइस, रिस्पॉन्सिबल है। तो एक मैनेजर जो रूल्स है, लेट डाउन बाय टॉप मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट, तो जो टॉप मैनेजमेंट रूल्स बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, वो उसको फुलफिल करता है। एक प्रोफेशनल की तरह वो क्लाइंट को सर्विस तो प्रोवाइड कराता है, साथ ही वो अपने जो मैनेजर्स हैं, उससे ऊपर के जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनके रूल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेके चलता है। और हम सब जानते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव में हमारा एक प्रॉफिट मोटिव भी आता है, हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो इस तरह से यहाँ पे सर्विस मोटिव तो है, लेकिन साथ में सर्विस मोटिव के साथ क्या आ गया गाइस, सर्विस मोटिव के साथ विद प्रॉफिट अर्निंग की बात भी आ गई गाइस। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, एग्जैक्टली पॉसिबल, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता गाइस। तो इस तरह से मैनेजमेंट आपका फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं बन पाया आज भी। तो इस तरह से गाइस हमने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग करी, क्या हमने स्टडी करी, पहला हमने अंडरस्टैंड किया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं, तीनों लेवल पे कौन कौन लोग आते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं।
फिर हमने बात करी नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट जो है उसका नेचर क्या है, क्या वो साइंस है तो फिर क्यों है, किन रीजंस की वजह से है, वो रीजन मैंने यहाँ पे बताए आपको, क्या वो आर्ट है, अगर है तो वो किस रीजंस की वजह से है, और क्या वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, अगर वो है तो वो किन रीजंस की वजह से है, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग करी कि मैनेजमेंट फुल फ्लैच आर्ट है, बट वो फुल फ्लैच साइंस भी नहीं है और फुल फ्लैच प्रोफेशन भी नहीं है गाइस। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, और इसे एक बार ही अपने लैंग्वेज में राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट करके youtube.com/tarunejaclasses में चैनल पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। आप जब लाइक करते हैं हमारी वीडियो को तो गाइस उसमें हमें एक काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, और हम इस तरह से वीडियोज़ आपके पास और लेकर आते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे नए हैं, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते हैं गाइस तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, और हम आपके लिए और अच्छे से और बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट करने के हर बार एफर्ट करते रहते हैं। बाकी गाइस मेरा facebook.com पे एक पेज है तरुण नेजा क्लासेस के नाम से, तो आप वहाँ जाके तरुण नेजा क्लासेस में जाकर उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, जिनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट है tarunneja.com, आप यहाँ से भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी गाइज मेरा ब्लॉग है क्लास लेक्चर्स बाय ta.blogspot.in, गाइज आप यहाँ जाकर भी आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।